बहुत सारे आप देख सकते हो, आप जानते हो, समझदार को इशारा काफी है। 25 साल आप कांग्रेस को देख चुके हो और 9 साल बीजेपी को। अभी तो चुनाव का साल भी नहीं है, तो ये आगामी कहते हैं ना तूफान से पहले जो बादल गरजते हैं, हम गरजेंगे ही नहीं, हम बरसेंगे भी। बदलाव यात्रा 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेगी। ये बदलाव यात्रा मील का पत्थर साबित होगी हमारे लिए। ओके, जहाँ हमारे युवा 30-35 के अध्यक्ष है, वहीं अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की बात करो तो उनके युवा नेता 60-60 साल के नेता है। तो ये जैसे कांग्रेस भी रह चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी है, उन्होंने अभी तक कोई बदलाव नहीं है, तो हम भी एक मौका केजरीवाल को देके देखे। हम भी राजनीतिक दलों की बात करो तो वहाँ 60 साल के युवा नेता है, तो समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। युवा नेता है, मतलब आपका निशाना किन नेता पर, किस नेता पर है? आज की जो पद यात्रा है, क्या बदलाव लेकर आएगी बदलाव यात्रा अपने आप में? देखिए, जो बदलाव हम 75 सालों से जनता चाहती थी कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल, ठीक है, उसी व्यवस्था को लाने के लिए जो दिल्ली देख चुकी है 3 बार आम आदमी पार्टी को लेकर, वही बदलाव की यात्रा अब जिस तरीके से पंजाब में हो चुका है, हरियाणा भी उसकी मांग कर रहा है, तो हम उसी बदलाव यात्रा के दौरान आज हमने ये पद यात्रा स्टार्ट की है। जी, यहाँ आप कहाँ से आए? मैं झज्जर से हूँ, महिला जिला अध्यक्ष। अच्छा, महेंद्रगढ़ आए, यहाँ का कार्यक्रम कैसा लगा, यहाँ का समर्थन कैसा लगा? देखिए, आप लोगों में देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, और देखिए ये एक जागरूक करने का भी अभियान है। जिस तरीके से हमारी सरकार यहाँ नहीं है और उस हिसाब से हम इतना बढ़िया यहाँ कर रहे हैं, तो हम आगामी देखिए अभी तो चुनाव का साल भी नहीं है, तो ये आगामी कहते हैं ना तूफान से पहले जो बादल गरजते हैं, हम गरजेंगे ही नहीं, हम बरसेंगे भी। तो आगामी चुनाव में आते आते लोगों का भी रुझान आपको और भी आते दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 45 साल से दो ही कांग्रेस और भाजपा पार्टी आ रही है और दो ही नेता हैं, वही काम करते हैं, विकास यहाँ पर कमी है, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि 25 साल कांग्रेस ने और 9 साल बीजेपी ने क्या ही करा है, तो इस बार एक मौका केजरीवाल को भी मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों गांव में लोग कह रहे हैं, तो हाँ, उसी बदलते बदलाव की तरफ ये बदलाव यात्रा है आज हमारे। 2024 की तैयारी अपने आप में ये? देखिए, 24, हाँ बिल्कुल पक्का, हमने इतना और जगह समय नहीं लगाया, हमने पूरा जो हमारे शीर्ष नेता है केजरीवाल जी, उनका पूरा दिल्ली और पंजाब के बाद उनका सबसे ज़्यादा फोकस यही होने वाला है। यहाँ जैसे डॉक्टर मनीष जी हैं जो इस अपने समर्थकों के साथ ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, बहुत अच्छे हैं और आप पार्टी में देख सकते हो कि जहाँ हमारे युवा 30-35 के अध्यक्ष हैं, वहीं अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की बात करो तो उनके युवा नेता 60-60 साल के नेता है। तो ये एक बदलाव, तो देखो पार्टी के अगर आप संगठन से लेकर विचार तक लेकर जनता के बारे में सोचने वाली अगर कोई पार्टी है और वो बदलाव लाना चाहती है, तो वो आम आदमी पार्टी है। यहाँ का युवा नेता युवा ही है, और अगर आप दूसरी राजनीतिक दलों की बात करो तो वहाँ 60 साल के युवा नेता है, तो समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। युवा नेता है, मतलब आपका निशाना किन नेता पर, किस नेता पर है? बहुत सारे आप देख सकते हो, आप जानते हो, समझदार को इशारा काफी है। 25 साल आप कांग्रेस को देख चुके हो और 9 साल बीजेपी को। युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव 15 दिसंबर शुक्रवार को बदलाव यात्रा लेकर आपके बीच आ रहे हैं, आप सभी का इस यात्रा में स्वागत है।
डॉक्टर मनीष यादव 15 दिसंबर शुक्रवार को बदलाव यात्रा लेकर आपके बीच आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? वजीर सिंह अलावदा जी। आज की यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आज की यात्रा के बारे में पूरे हरियाणा के चारों दिशाओं से एक पद यात्रा निकाली है इस हरियाणा का बदलाव के लिए। हरियाणा बदलाव लाना चाहती है आम आदमी पार्टी। जैसे शिक्षा है, पानी है, बिजली है, किसानों का, युवाओं का बेरोजगार है, किसानों का मुआवजा है, किसानों की फसल के दाम हैं, भाव हैं, इसके बारे में जो बहन बेटियों को प्रत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में, यानी एक ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल हरियाणा का एक सबसे ऊंचा नाम हुए, इसमें एक बहुत बढ़िया परिवर्तन व्यवस्था का ये यात्रा निकाली के लिए चारों दिशाओं से। एक तरफ से हमारे अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, एक तरफ से और डांडा जी, वो यहाँ से मंदरगढ़ से हमारे अनुराग डांडा जी हैं, सिरसा से चले हमारे अशोक कंवर जी, और पंचकुला से चले हैं हमारे क्या नाम था, ये बदलाव यात्रा 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेगी। ये बदलाव यात्रा मील का पत्थर साबित होगी हमारे लिए। धन्यवाद जी। मंदरगढ़ का हमने बहुत मारा उत्साह बढ़ाया है, यहाँ पर इतने हमारे समर्थक हम इतने हमारी पार्टी के तो जुड़े हुए हैं इतने लोग, और भी बड़ा हमारा उत्सव बढ़ गया है। आप कहाँ से? हम मैम से हैं रोहतक जिले से, मैम चौबीसी से अध्यक्ष, मैम चौबीसी अध्यक्ष जी आम आदमी पार्टी। धन्यवाद। और भी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।